मैं फिर से कहना चाहूंगा अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि इस कोरोना काल में जिस तरह की महामारी फैली हुई है, पप्पू यादव जी को आपको रिहा करना चाहिए। ठीक है, आपसी विचारधारा नहीं मिलेगी, रंजिश हो सकती है, आखिरकार राजनीति की लड़ाई है, इसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लेना, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि जो कम अपराध की श्रेणी में अपराध करने वाले बंदी हैं, उनको या तो पेरोल दिया जाए या उनको जमानत दिया जाए, पेरोल पे उनको छोड़ा जाए, और उस काल में आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बंदा कितनी बीमारियों से त्रस्त है, ग्रसित है, भूख हड़ताल पे बैठा है, थोड़ी सी मानवता दिखाते करे। राजनीति है, राजनीति तो आप भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब पार्टी करती है। हाँ, कुछ मित्रों की बात मैं सुन रहा था, कुछ मित्र ये कह रहे थे कि ये कन्हैया कुमार के साथ भारत की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। जो कन्हैया कुमार कह रहा था उसमें ये हां में हां मिला रहे थे, यानी इन्होंने देशद्रोहियों को साथ दिया। देखिए, जहां तक कन्हैया कुमार या उस तरह के जितने भी नवयुवक आए, या शर्जिल इमाम, या वो एक और जेएनयू में कौन था, कश्मीर वाला लड़का, और कश्मीर ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे आजादी चाहिए, इससे आजादी चाहिए, उसे तरह तरह के नारे और स्लोगन दिए गए। कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और जो इस सरकार का समर्थक है, वो अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी सरकार के समय में, अभी तक तो भारत का बंटवारा नहीं हुआ, आजादी नहीं मिली, हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में रोकने के लिए ये सब नारे वारे गढ़े गए थे। और कुछ इनकी विचारधारा, जो वामपंथियों की जो विचारधारा है, कुछ तो ऐसी है कि उन्होंने कभी अपने देश का भला नहीं किया, इन्होंने हर हमेशा विदेशियों का ही साथ दिया है, इसलिए तो आज तक हमारा देश इतना कमजोर है। तो पप्पू यादव उसके एक अंश थे, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है उनके इस बदले को चुकाने का। आप लोग जो कह रहे हैं कि हम पप्पू यादव के खिलाफ है और बिहार पुलिस के साथ हैं, ठीक है, जहां उनकी वो विचारधारा है वहां मैं भी विरोध करता हूं, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता जो व्यक्ति ने सरेआम मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने आकर के, और आप ये जानिए कि पप्पू यादव जो आज कर रहे थे, सरकार की कमियों को गिना रहे थे, वो एक मुद्दा है, वो एक फैक्ट है, कि और कुछ सच्चाई भी उसमें, ज्यादातर बातें सच्चाई की है, लेकिन ये वक्त नहीं है। इसलिए मैं अपनी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप उनको रिहा कर दे, वो बीमार हैं और कई सारे लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं मुझे पता चला कि मीडिया के द्वारा खबर आ रही थी कि कोई 32 साल पहले के केस में उनको वारंट था, उस केस में उनको बंद किया गया है, और फिर सारण पुलिस भी उनको रिमांड पे लेने वाली है, पता नहीं क्या, ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। अभी अगर ठीक है, वो कोई देश छोड़ के तो भाग नहीं रहे, तो देश छोड़ के भाग जा रहे, अगर आपको मुकदमे चलाने हैं तो बाद में चला लीजिएगा, थोड़ा स्थिति नॉर्मल हो जाए।